क्लासिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स तो बोर्ड पर हम लिख के हम पाए नहीं ने स्टार्ट कर रहे डेवलपमेंट विकास विकास के स्वरूप और मायने अलग अलग होते हैं। प्रति व्यक्ति विकास का एक स्वरूप दिखाने का मतलब अलग अलग होता है। कुछ लोग इसे अपनी इनकम से जोड़ कर रखते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम, पर यानी प्रति कैपिटा व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की बात जब की जाती है तो एक व्यक्ति दिन में या रात में या पूरे दिन में मिलाकर कितना कमाता है और कैसे उसकी आवश्यकता को पूरा कर पाता है, इसकी एक वाइटल इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट में, क्योंकि लोगों के आय पे ही उनके आगे का भविष्य भी निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि हमारे लिए तीन ही थे, पहला रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है तो दो चीजें और ऐड की गई है, पहला हेल्थ दूसरा एजुकेशन। तो डेवलपमेंट को अलग अलग मायने में यहाँ पे देखा जाता है और इस चैप्टर में डेवलपमेंट के विषय में बात की गई है कि कैसे एक देश दूसरे देश से अपने आप को डेवलप करने की बात की करता है। जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब हुआ जैसे स्कॉटलैंड, नीदरलैंड या नॉर्वे वगैरह, ये देश अपनी जनता के लाइफ स्टाइल को बहुत स्टैंडर्ड रखने की प्रायोरिटी देता है। तो देश के डेवलपमेंट के विषय में चार चीजों को इसमें ज्यादा देखा गया है। पहला मोर्टालिटी रेट, मोर्टालिटी यानी कि मृत्यु दर, मृत्यु दर की जब बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती है कि जो बच्चा जीरो दैट मीन फर्स्ट डे से लेकर एक साल के बीच में 1000 बच्चों के बीच में कितने बच्चे मर जाते हैं। मरने की बात, क्योंकि यहाँ जीवन की बात करनी ज्यादा जरूरी है मरने की बात नहीं, इसीलिए देश ये देखता है कि क्या मृत्यु दर कम हो, यानी कि मोर्टालिटी रेट कम हो बच्चों का, वो देश अपने आप को डेवलप ज्यादा मानता है। दूसरा एडुकेशन, क्योंकि हमें पहले भी पता है कि शिक्षा एक ऐसा पंख है जिसके द्वारा इंसान अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो ये अलग अलग देश अपने यहाँ अलग अलग तरीके से व्यवस्था करते हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन को लिया जाता है, एजुकेशन को डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, लिटरेसी रेट में लिया जाता है। लिटरेसी यानी कि कितने लोग लिखे पढ़े या पढ़ लिख सकते हैं, इतने तक ही सीमित किया जाता है। और क्यों डेवलपमेंट, सबसे वाइटल क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट के मानक हो सकते हैं या प्रतिकूलक हो सकते हैं। हमारा टेक्निक फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन की बात की जाती है। लेकर सी, अगर मैं अगर एक फोर व्हीलर गाड़ी लेता हूँ और फोर व्हीलर गाड़ी के साथ अपने आप को एक डेवलपमेंट दिखाता हूँ तो ये समाज के लिए कहीं ना कहीं उससे कार्बन का इमोशन होता है और कार्बन के इमोशन के कारण समाज के लिए कहीं ना कहीं खराबी होता है। तो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो समाज को एक ऐसे वे में लेके चलना है जहाँ डेवलपमेंट सबके लिए बेहतर भी हो। इस चैप्टर का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन करना यानी कि अपने आप को बेहतर करना समय के साथ, जिसमें प्रकृति का लॉस कम से कम। चौथी चीज इसमें यह देखी जाती है कि देशों के विकास को लेकर, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कंजप्शन रेट पर भी कुछ देश दिखाते हैं, कुछ देश अपने अपने हिसाब से पर कैपिटा इनकम को दिखाते हैं। जैसे अपने आनंद शर्मा जी ने पर कैपिटा इनकम को और इंटेक रेशियो को अलग अलग वे में दिखाया। हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है तो 30 रुपीज की बात की जाती है, यानी कि 30 रुपए जो शहरों में रहते हैं और 30 रुपए कमाते हैं, यानी कि लगभग 1000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, उनको हम गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर रखते हैं, जबकि दूसरे जगह ये बिल्कुल डिफरेंट है। आज के सिनेरियो में तो चेंजिंग माना जा रहा है क्योंकि अब तो लोगों की इकोनॉमी बिल्कुल दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है। इन सिनेरियो में वर्ल्ड बैंक के द्वारा लागू किया गया प्रति व्यक्ति $1.9 का मतलब लगभग 100 रुपए होकर, क्योंकि अभी डॉलर का कीमत कल आपने देखा था कि 76 रुपीज के बराबर था पर डॉलर। तो इस हिसाब से लगभग अगर माना जाए तो एक व्यक्ति का इनकम अगर लगभग 125 से 150 रुपए के बीच हो तो उसे पॉवर्टी लाइन से अलग रखा जाता है। इसी तरीके से अलग अलग सिनेरियोस को यहाँ पे हम लोग व्याख्या करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि केवल डेवलपमेंट डेवलपमेंट और विकास की बातों में ऐसा ना हो कि समाज का पीछे रहे। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम अपने रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि धरती के जो उपलब्ध संसाधन है, उस संसाधन से कैसे हम अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि खनिज लौहों का सही तरीके से उपयोग, यानी कि अपनी डिपेंडेंसी कम करें खनिज लौहों से, क्योंकि खनिज लौह सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित है, उसका हर एक वे में बहुत ज्यादा यूज है।
आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया भी है कि एक पॉइंट पे डिटेल जाकर 45 से 50 सालों में खत्म हो जाएगा। इस सिनेरियो में लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए, दैट मीन्स जितनी भी गाड़ियां हैं सभी गाड़ियों को चलाने के लिए अलग वे में कैसे चलाए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए मॉरिस गैराज, मॉरिस गैराज ने अपनी एक गाड़ी निकाली है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के रूप में दिखाई जाती है और पर किलोमीटर चार्ज करने के बाद 460 किलोमीटर चलता है, जिससे तेल पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी और तेल का खर्च कम होगा। भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारत के सापेक्ष की सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि हमारे यहाँ 80% जो पेट्रोल और डीजल है वो विदेश से ही भारत में आते हैं। इस हिसाब से भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि पैसे का विदेशी भंडार, फॉरेन करेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पेट्रोल और डीजल के लिए दिए जाते हैं, जिसको हमें कम करना है। अभी BS6 मॉडल की गाड़ियों की बात की जा रही है, सबसे पहले हमें BS6 की बात करना है तो इसके विषय में समझना होगा कि होता क्या है। एक्चुअली कार्बन पॉल्यूशन को कम करना और गाड़ी की क्षमता को थोड़ा सा हल्का करना, जिसके द्वारा वो कम तेल और कम कार्बन पॉल्यूशन से ज्यादा चल सके। इसीलिए जितने भी ओपेक कंट्री है, ओपेक कंट्री का मतलब होता है वो देश जो तेल का उत्पादन करते हैं, उन ओपेक कंट्रियों के तेल पे हम अपना डिपेंडेंसी कम करें। ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार 2030 के बाद लगभग इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ही आए और हमारा फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। दूसरा वाटर, पानी, क्योंकि हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि पानी का एक अलग अलग लेवल है और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। पानी का अगर 100% वाटर रिसोर्सेज के रूप में लिया जाए तो 96.5% वाटर तो अभी किसी वाटर है, यानी कि अल्कलाइन वाटर की बात की जाती है। अल्कलाइन वाटर जो हमारे शरीर के लिए कहीं भी फायदेमंद नहीं होता है, इन वाटरों को हम पी नहीं सकते हैं, जबकि 1.8% वाटर जो है अभी भी ग्लेशियर्स के रूप में हमारे कहीं ना कहीं पहाड़ों में दबे हुए हैं, जिसको हम यूज भी नहीं कर सकते हैं, और मात्र 0.45% वाटर ही हमारे नदियों में बहता है, और नदियों में बहने के कारण ये वाटर को हम संरक्षित रख सकते हैं, और 0.61% वाटर जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, इन वाटरों को भी हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी कलर आते रहे और वाटर को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के कारण जो पीने योग्य पानी है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। धरती का वाटर लेवल कम हो रहा है, वाटर लेवल कम होने के कारण धरती धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इसको भी हमें सही तरीके से यूज करना है और इसको हमें बेहतर से बेहतर बनाना है। तो डेवलपमेंट का हमेशा मतलब ये होता है कि विकास तो आप करें, लेकिन इस सापेक्ष में नहीं कि आप कहीं ना कहीं प्रकृति को नष्ट करें। थैंक यू।